अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे और इस रमज़ान को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, रोज़े रख रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे, नमाज़ें पढ़ रहे होंगे और ज़कात कर रहे होंगे, हैरात कर रहे होंगे, उन लोगों की मदद कर रहे होंगे जिन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है और उनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में अभी अफ्तारी और सहरी करने के लिए भी राशन नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर इंसान से जितना हो सकता है हर कोई उतनी कोशिश कर रहा है ताकि वो उन लोगों की मदद करे जिनको इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मेरी जो वीडियो है, मेरा नेफ्यू आया है हादी। हादी को हेयर कट चाहिए था, तो हादी के बाल काफी टाइम से बड़े हो रहे थे, उसने एक बस कट लिया था, उसके बाल काफी टाइम से ग्रो हो रहे थे, तो अब उसको हेयर कट चाहिए था, तो आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना हादी का हेयर कट करें। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे भी सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जाए। और अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। हादी का हेयर कट से पहले उसके बाल काफी ग्रो आउट हो चुके हैं और ये उसकी एक्चुअल लुक है, और आफ्टर हेयर कट उसकी लुक कुछ ऐसी आई है, टेपर्ड है, वो फेडेड है। सबसे पहले मैंने लिया है क्लिपर को विदाउट एनी गार्ड और सारा जो नीचे वेट था एक्चुअली में बालों का उसको रिमूव कर दिया ताकि हमारा जो हम जो फेडिंग करने वाले हैं उसको हम एक्चुअली देख सकें कि हम कितना फेड करना है और कितना नहीं फेड करना और क्या करना है। तो सबसे पहले इस जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनके बल्क को रिमूव कर लेते हैं और साथ ही एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमें पता हो कि हमें इसी से ऊपर सारी फेडिंग करनी है। सो दिस इज़ द लोएस्ट पार्ट जहाँ तक हमारा स्किन फेड आएगा। उसके बाद आपको अपनी बालों में पार्टीशन करनी है जहाँ से एक्चुअली में आप अपने बालों को पार्ट करते हैं, ताकि या आप एक हॉर्सशू सेक्शन ले लें ताकि आपको डिसाइड हो जाए कि कौन से पार्ट को आपको एक्चुअली में फेड करना। और फिर शुरू करता हूँ, मैंने सबसे पहले क्लिपर का नंबर लिया नंबर 4 और नंबर 4 से मैंने एक्स्ट्रा वेट रिमूव कर दिया सारे पार्ट से और ऊपर वाले पार्ट को हमने नंबर 4 के साथ ट्रिम आउट कर लिया। नंबर 4 के बाद मैंने क्लिपर का गार्ड लिया है नंबर 2 जिससे एक्चुअली मैं हमारे 4 जो नीचे लोअर पार्ट है उसमें हम 2 से फेडिंग करेंगे ताकि वो 4 के साथ थोड़ी सी ब्लेंड हो जाए और देन 2 को और 4 को नंबर 3 से हम इसको ब्लेंड करेंगे ताकि हमारी एक्चुअली में जो 1, 2, 3 और 4 के साथ वो सारा मैचअप हो जाए। और गार्ड नंबर 2 के बाद अब मैं हाफ गार्ड यूज़ कर रहा हूँ, उससे हमारी जो नीचे हमने क्लिपर से विदाउट एनी गार्ड जो हमने लाइन क्रिएट की थी उस लाइन को थोड़ा सा ब्लेंड और फेडेड करते हैं ताकि वो नेक्स्ट हमारे स्टेप जब हम नंबर 1 गार्ड यूज़ करें तो वो उसके साथ ईजीली ब्लेंड हो सके। देन विदाउट एनी गार्ड आपने क्लिपों को लेना है और जो लाइन के अंडर वाला एरिया उसको भी आप क्लीन करें और जो आपने अभी हाफ नंबर से एक फेड क्रिएट किया उसको थोड़ा सा नंबर 1 विदाउट एनी गार्ड के साथ आप उस हाफ के साथ उसको ब्लेंड कर दें ताकि आपकी जो ब्लेंडिंग है वो काफ़ी सीमलेस हो जाए। बिल्कुल भी इस प्रोसेस में जल्दी नहीं करनी, आप थोड़ा थोड़ा अपना टाइम लेके स्लोली स्लोली आप इसको बिल्डअप करें। विदाउट एनी गार्ड के बाद मैंने दोबारा गार्ड नंबर हाफ गार्ड पे शिफ्ट किया और उस पर दोबारा फेड किया ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा वेट है तो हम उसको रिमूव कर सकें। और उसके बाद हमने शिफ्ट किया गार्ड नंबर 1 के साथ। ये दोबारा बार बार नंबर चेंज करने का रीज़न यही है कि आपकी जो ब्लेंडिंग है और जो आपकी फेड है वो एक्चुअली में काफ़ी सीमलेस रहे, उसमें कोई हार्श लाइन या कोई एक्चुअल वेट नहीं हो।
उसके बाद हम नंबर थ्री पे मूव करते हैं, और नंबर थ्री पे जाने के बाद जो हमने नंबर टू और नंबर फोर के दरमियान में वाला जो पार्ट था वहाँ से हम थ्री के साथ फेड करते हैं और ज़्यादा थोड़ा वेट रिमूव कर देते हैं ताकि हम इजीली अपने बालों को एक शेप दे सकें। देन लास्ट हम करते हैं सीजर्स के साथ जो एक्स्ट्रा ऊपर बल्क है उसको सीजर ओवर कॉम के साथ वेट रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमारे बाल कुछ ऐसे दिखते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है काफ़ी अच्छे से एक फेड हो गई है। इसे एग्जैक्टली इसी तरह हमने बाकी बैक को और दूसरी साइड को भी फेडिंग का प्रोसेस देकर कर लिया। देन आपको अपने बालों में एक सेंटर क्राउन एरिया के अपने बालों में एक सेंटर पोर्शन क्रिएट करना है, और उसको आप हॉरिजेंटली एक स्ट्रेट लाइन में कट कर लें, और देन आप उसको एज अ गाइड लेकर अपने बाकी बालों को उस गाइड के इक्वली कट कर लें। इस तरह जो आपका क्राउन सेक्शन है वो बड़ा इक्वली बैलेंस्ड रहेगा। और बस यही सिंपल स्टेप्स के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, और हादी का हेयर कट काफ़ी यू नो शार्प और कूल लग रहा है। और जैसे कि आपने देखा कि वीडियो पूरी हो चुकी है, हादी का हेयर कट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हादी का हेयर कट यू नो एक अच्छा फेडेड लुक में आया। हमने नीचे स्किन फेड दिया और ऊपर से इसके बालों को टेपर करते करते, और ऊपर एक क्राउन पार्ट को हमने एक स्क्वायर कट में काटा है ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो सके बाकी हेयर कट के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे थम्सअप करें, लाइक का बटन प्रेस करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितने अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। इस वीडियो के एंड में आप कमेंट कीजिएगा, मुझे बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया नहीं किया, और किस तरह की आप वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं उसका रिस्पांस कर सकूं, और उसी रिलेटेड जिन भी टॉपिक्स में आप इंटरेस्टेड हैं उनके बारे में मैं वीडियो बना सकूं। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। और तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।